Hello friends, how are you? Welcome to Textbook Select. I hope all of you are fit and fine. Please tell me if my voice is absolutely audible and I'm visible, my lovely friends, so that we may start our session. Hi Anjali, hi Sonali, hi Sachin, hi Preeti, kaise ho aap log sabhi? Jaldi se ek bar mujhe bata dijiye that my voice is absolutely audible and I'm visible. Aaj ka jo session hone wala hai, bahut hi mazedar aur bahut hi khatarnak aur acha hone wala hai. और आज आप लोगों को मैं एक राज की बात ही बताऊंगा, ठीक है ना, आपको पता चलेगा. तो गाइस दिस इज वीडी, राइट. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है मेरे लिंक को लेने में, अगर आप क्लास का लिंक नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग जल्दी से एक बार, ये जो आप लोगों का पब्लिक चैनल है ना, ये आपका चैनल है, ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लीजिए. जब भी मैं क्लास में आता हूँ तो मैं सबसे पहले आके और यहाँ पे अपने लिंक को पोस्ट कर देता हूँ. क्लास का जो भी लिंक होता है मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, आप इसको आइए. आप लोग एक बात पूछते रहते हो कि सर आप हमें आड़ू क्यों बोलते हो, आड़ू क्यों बोलते हो, क्या हम इतने बेवकूफ हैं. आज आप लोगों को मैं आड़ू का मतलब बताऊंगा, ठीक है ना. ठीक है. हाय अवेश, हाउ आर यू. हाय गोपाल. हाय विल्सन, हाउ आर यू. वर्मा जी कैसे हो. काजू कैसे हो. मिस रोजा कैसे हो. सब बढ़िया. सचिन ठीक है, आप एब्सेंट थे गोपाल आज. चलिए कोई बात नहीं. तो गाइस आपको पता ही है कुछ इडियम्स ऐसे हैं जिसमें फूट की बहुत ज्यादा बातें होती है ना. आपके मुंह में पानी आ गया होगा. जल्दी से इनको पढ़ लो, नहीं तो ये रेडी भी लगानी पड़ सकती है, ठीक है ना. और यहाँ पे खड़े हो गए, देखो तुम इतने स्मार्ट लोग हो तुम लोग, है ना, ठीक है ना. इतने स्मार्ट लोग यहाँ पे सब्जी बेचोगे, वो अलग बात है कि उसमें ऐसी बात नहीं है कि वो काम खराब है मतलब, लेकिन तुम्हारे उसका नहीं है ना, लेवल का नहीं है, ठीक है. इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से इन फ्रूट्स के नाम याद कर लेने हैं ताकि आपको ये बेचना पड़े, ठीक है. ओके मुरमा जी, सबसे पहले डर लग गया, ओह गड़बड़ हो सकती है. नहीं, क्योंकि एक एक जमाने के बाद फिर सारे आपको ये बोल देते हैं, बेटा चल अब ठीक कर, ऐसा कर, अब घर से पिल ले, ठीक है ना. तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को आज के सेशन में. मैंने थोड़ा सा एक फनी सेशन रखा हुआ है ये. तो मैं फर्स्ट इडियम आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, टॉप बनाना, ठीक है. ये लो, टॉप बनाना का मीनिंग क्या होता है जरा बताइए मुझे. आई विल वेरी वेरी हैप्पी. कम ऑन, जो टॉप का बनाना होता है वो क्या होता है, टॉप बनाना होता है. ठीक है. हाय सारिका. सी ओए सत श्री अकाल जी. सिमरन जी कैसे हो. हाय रोशन अली. मोहम्मद रोशन इरिटेबल पर्सन बोल रहे हैं. नहीं, इरिटेबल पर्सन नहीं होगा. टॉप बनाना का मतलब होता है क्या, लीडर. क्या बोलते हैं उसको, लीडर बोलते हैं. ही इज द टॉप बनाना. मोदी जी इज द टॉप बनाना, ठीक है, और बीजेपी अब सबसे बड़ा केला है वो. अब ऐसे तो ये थोड़ी है कि वही मोदी जी से रूठ जाएंगे. मोदी जी को कोई बोले कि मोदी जी आप सबसे बड़े केले हो, देखो कितना अजीब लग रहा है वैसे, है ना. ऐसे तुम्हें वो अजीब लगता है, मैं तो बोलता ना आड़ू हो. आड़ू का बहुत खतरनाक मीनिंग है, आज आपको पता चलेगा, देखना. टॉप बनाना भी आने वाला हो रहा है, तो टॉप बनाना का मतलब क्या होता है, कोई लीडर होता है, बहुत ही बड़ी पार्टी का कोई लीडर होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ही इज द टॉप बनाना, ठीक है ना. याद कर लेना, कभी गलती मत करना, गलती होनी नहीं चाहिए, काफी अच्छा लगेगा. एप्पल ऑफ समबडीज आई, है ना, जैसे आप मेरी आंखों के सेब हो, है ना. तो हम लोग बोलते हैं आंखों का तारा, लेकिन अंग्रेज बोलते हैं आंखों का सेब. वो उनके खाने पीने में रहते हैं, वो इसलिए सेब याद करेंगे. हम चांद सितारों में रहते हैं तो हम चांद बोल दिया. एप्पल ऑफ समवंस आई, है ना, एप्पल ऑफ द आई. गॉट इट ना. तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव, इसमें लिखा हुआ है सिमिलर, इमेजिनरी वर्ल्ड और लवेबल. आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार का भी. आप लोगों की एप्पल ऑफ द आई कौन कौन है जरा बताओ. कम ऑन, अगर तुमने कोई दूसरा नाम ले दिया मेरे नाम के अलावा फिर देख लेना. सचिन, शिवम, प्रीति, सारिका, माई थिंकिंग, रोशन अली, तुम लोगों की एप्पल ऑफ द आई कौन है जरा बताओ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लवेबल हो जाएगा. कितना प्यारा सा सेब है देखो बच्चे के हाथ में, ठीक है ना. चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन ऑलवेज द एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स. अरे मिस रोजा, एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स नहीं,
एप्पल ऑफ द आई ऑफ देयर पेरेंट्स। हाय मोनू, कैसे हो मोनू? यार तुम कहाँ रहते हो यार? विडी सर तो तीन ने तो बोला, सोनाली ने, सिमरन ने और अवेश ने। प्रीति ने भी बोला अल्हम्दुलिल्लाह। रोशन अली ने भी बोला, क्या बात है। मिस रोजा ने भी बोला, वंदना दीवान ने बोला। ये अवेश राव कर रहे हैं मोदी जी मेरे तो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मोदी भाई पढ़ ले जा तू, प्रणाम जा। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। खैर आई वाज जस्ट जोकिंग। एप्पल ऑफ समबडीज आई इसका मतलब क्या होता है? लवेबल होता है। ठीक है, ओके। ए फ्रूट केक, पहले अगर मैंने इमेज दिखा देना आप लोगों को तो आप जल्दी बताओगे। सर मैं अपनी शादी में बिजी रहता हूं। शादी में बिजी हो? अबे शादी के बाद जिंदगी झंड होएगी, शादी में तो कम से कम एंजॉय कर आड़ू। जिंदगी झंड होएगी शादी के 10 दिन बाद, अभी तो कम से कम ठीक रहे यार, क्या बात कर रहा है। बहुत ओहो पैथेटिक गाय, पैथेटिक। फ्रूट केक, फ्रूट केक का मतलब क्या होता है? क्रेजी पर्सन, वेरी गुड यार, ये बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, फ्रूट केक राइट, इसको आप लोग बोल सकते हो स्लोली मेड या वेरी इजी। क्रेजी पर्सन, इंपोर्टेंट वुमेन, देख ही सकते हो तुम्हारे जैसे लग रहा है ये क्रेजी पर्सन। ठीक है कि नहीं? तो यू आर ए फ्रूट केक। क्या यार आप फ्रूट केक हो यार, क्रेजी पागल इंसान जो होता है, बहुत ही ज्यादा यू कैन से मजाकिया या बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज कोई पर्सनैलिटी होता है उसको बोलते हैं ये तो क्रेजी, ये फ्रूट केक है। यू आर ए फ्रूट केक, आपके घर में कोई फ्रूट केक जरूर होगा। ठीक है ना, माय ब्रदर इज अनडाउटेडली ए फ्रूट केक, ऐसे बोल सकते हो। माय सिस्टर इज अ फ्रूट केक, ऐसे बोल सकते हो ना। फ्रूट के ऊपर ही सारे इडियम बनाए हुए हैं मैंने ये। सर आड़ू का मतलब अभी आने वाला है, बस ये लो, पहले इसको बताओ। अपसेट द एप्पल कार्ट, जरा बताइए इसका मतलब क्या होता है। यार आज बहुत लाइट भी हुई है। हाँ पीस ऑफ केक होता है, वेरी इजी, बिल्कुल ठीक बात है। जरा देखो, एब्सोल्युटली विवेक कुमार चौधरी इज एब्सोल्युटली राइट, मिस रोजा इज एब्सोल्युटली राइट। अपसेट दी एप्पल कार्ट, ठीक है ना, तो स्पॉइल द प्लान हो जाएगा इसका। ही अपसेट दी एप्पल कार्ट, उसने जो सेब की जो टुकड़ी थी वो उल्टी कर दी, है ना। ही स्पॉइल्ड आवर प्लान, ही अपसेट दी एप्पल कार्ट, ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है ना, रोहन अपसेट दी एप्पल कार्ट, ठीक है ना, बाय नॉट रीचिंग ऑन टाइम, राइट ऑन टाइम। उसने सारा प्लान चौपट कर दिया यार, वो उस टाइम से नहीं पहुंचा, ऐसे यूज कर सकते हो, समझ में आया ना। तो इसीलिए ये एक अलग से ही मतलब एक उसके हैं और आपको अच्छा भी लगेगा काफी। फिर हाय स्नेहा, हाउ आर यू, कैसे हो? टू बी अ पीच, अरे आ गया टाटा टाइम। टू बी अ पीच, ये देखो ये है तुम्हारा जीता जागता सबूत। आज आप लोग हमेशा ये पूछते रहते थे मुझसे, सर हमें आड़ू क्यों बोलते हो, आड़ू क्यों बोलते हो। ठीक है, समझ में आया ना। ये ला, ये देखो ना, ये आ गया। टू बी ए पीच, आड़ू बनना। आड़ू बनने का मतलब क्या होता है जरा बताओ, विदाउट एनी सेंस। मुझे पता था सारे बच्चे यही बोलोगे कि सर हमें बेवकूफ समझते हैं इसीलिए या तो वो फूल बोलेंगे, लेकिन मैं बता दूं कभी भी इसका मतलब फूल नहीं होता। और मैं ये भी बता दूं इसका मतलब कभी भी विदाउट एनी सेंस भी नहीं होता, समझ में आया ना। ना तो फूल होता है और ना विदाउट एनी सेंस होता है, बल्कि टू बी ए पीच का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड। अबे बेवकूफो, अब पता चला आप लोगों को मैं आड़ू क्यों बोलता हूँ। मैं आड़ू बोलता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे बच्चे हो, इससे अच्छे बच्चे मुझे मिल नहीं सकते, इसीलिए अगर कभी मैं आड़ू बोलूं तो ऐसे बुरा मत माना करो, समझ में आया ना। देखो खुद देखो तुम, टू बी ए पीच, You are a peach. See how sweet. You are a peach. आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग गलत आंसर देते हो। नहीं, मैं कभी नहीं बोलता ऐसे। ठीक है, अच्छा लगा। अभी सर मजाक कर रहे क्या? अबे मजाक नहीं, हद कर रहे हो, सही कह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एक्सट्रीमली गुड होता है इसका मतलब। यू आर अ पीच, ठीक है। मिस रोजा, प्रीति, सचिन, सिमरन, आप लोगों के आज कई सालों का आज आप लोगों का ये जो राज था वो खुल गया है, और हमेशा आप अच्छे कर लगो, इसको ऐसे करते रहो। ठीक है ना, मुझे पहली बार खुशी हो रही है इतनी आपको खुश देख के,
कि आप लोगों को आड़ू का मतलब पता चल गया आज, है ना। एक्सट्रीमली गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आंखों के सामने है, सर आगे से आड़ू ही कहना, बीज को आड़ू बोलते हैं क्या? हमारे पानीपत में तो यही बोलते, तुम्हारे वहां पर क्या बोलते हैं? सेकंड बनाना, सेकंड बनाना हो तुम बताना जरा क्या होता है सेकंड बनाना का मतलब बताओ। सारे के सारे आज ये इसके भी इसी पे ही बेस्ड है ना। गिव मी द आंसर फास्ट, कम ऑन, आई विल बी हैप्पी। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सेकंड बनाना, इन अपोजिशन, सबसर्वियंट, रेप्लिका। रेप्लिका सेकंड बनाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। ना 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 मुन्ना ना, विवेक कुमार चौधरी आई थिंक इज गिविंग द करेक्ट आंसर। सिमरन डी डेल्टा, वो रिजेंबल समवन, नहीं। सेकंड बनाना का मतलब होता है सबसर्वियंट। सबसर्वियंट का मतलब होता है सर्वाइल, जो सर्वाइल जो इंसान होता है, जो ओबीडियंट होता है, एक्सट्रीमली ओबीडियंट जो इंसान होता है, ठीक है ना, जो एक्सट्रीमली ओबीडियंट इंसान होता है, सर्वाइल होता है, बहुत ज्यादा अपने आप को झुकाने वाला होता है दूसरों के आगे, ठीक है, एक दास के जीवन जैसा व्यतीत करने वाला जो इंसान होता है, उसको सबसर्वियंट बोलते हैं। सबसर्वियंट, सब सबसे बना हुआ है, सब उप सब सर्वेंट, ठीक है ना, सर्वाइव लाइक ए सर्वेंट। सेकंड बनाना बोलते हैं कि दूसरा केला है। तो आइए अगर आप लोगों को ये पता हो, अरे क्या हो गया इतना खा ले तो भाई, ऐसे तो कुछ बड़े ऐसे कैसे हुआ भाई, ठीक है, बीच में नट चला गया ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। सेकंड बनाना ऐसे यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा बी सबसर्वियंट, है ना, सर्वाइल इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट ना, बी ब्रेवो इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गाइस दिस इज द टेस्ट बुक पास टू ए सपोलियर एग्जामिनेशंस। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ दैट प्लीज आप लोग इसको, अभी तक अगर आपने ये पास नहीं लिया है तो पास जरा ले लीजिए। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं VADPAWS। आपके एग्जाम अभी लाइनअप है, चाहे वो बैंकिंग है, वो SSC है, डिफेंस है। सितंबर में आप लोगों का ये NDA का एग्जाम आ रहा है, आपका CDS का एग्जाम आ रहा है, आपका FCAT का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, सारे एग्जाम ये हैं, बैंकिंग के एग्जाम आ रहे हैं, तो काफी सारे एग्जाम आप लोगों के आ रहे हैं। चार सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, GS और रीजनिंग, ये सारे सारे ही आप लोगों को मिल जाएंगे। सर ये लिया है पास हमने, अच्छी बात है। कहाँ है सर ये? सिमरन आपको कुछ नहीं काम करना है, सिर्फ अपना गूगल सर्च करना है। गूगल में आप लोग टाइप कर दो सर्च बार में टेक्स्ट बुक, ठीक है, आपको स्क्रीन दिख जाएगी और वहां से आप बायपास का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके ले सकते हो। आप लोग हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में पास का कॉलम है, वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, प्लम जॉब, प्लम का मतलब क्या होता है पहले तो तुम ये बताओ, इसको क्या बोलते हो तुम लोग? हम तो इसको बोलते हैं आलू बुखारा, ठीक है ना, प्लम जॉब, प्लम बोलते हैं। तो प्लम वो एक आधा तो हर जगह मिल जाता है, गौरव टेंशन ना लो, हमें हमारे पास भेज दे, इंग्लिश का मेरे पास भेज दे, लागर गलत है तो हम ठीक करके दे देंगे, ठीक है। textbook.com, सिमी यस सर, हाय राजश्री, वंदना, गौरव, MD सचिन, सोनाली, विवेक, सिमरन, विल्सन, भी प्रभु। ये प्लम जॉब का मतलब होता है बहुत ही इजी एंड प्लीजेंट जॉब। अगर कोई इंसान बहुत ही इजी और बहुत ही प्लीजेंट जॉब को करना चाहता है, ऐसे ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं ही इज डूइंग अ प्लम जॉब। क्या आप लोग प्लम जॉब करते हो? नहीं, सुबह से लेकर शाम तक देखो आप पढ़ाई करते हो, कितनी तपस्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना। मेरी तो जिंदगी में प्लम जॉब कभी आएगी ही नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है। Easy and pleasant job, उसको क्या बोलते हैं? Plum job बोलते हैं। Easy and pleasant job, clear है ना? ऐसे use कर लेना। A plum job, right? बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही खुशनुमा जो job होती है, उसको plum job बोल देते हैं। Question number next, A bad apple, ये तुम बता दोगे जल्दी, है ना? Image से बता दोगे। Bad apple, ये आदमी जो है वो एक bad apple है, एक बुरा सेब है। कई अच्छे सेब होते हैं, ये बुरा सेब है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बताओ। या अगली वुमन नहीं होगा,
सफरिंग फ्रॉम फीवर, टॉप सीक्रेट, ऐसा कुछ नहीं होता। डी डेल्टा सिंपल एक आंसर याद रखो, डिसऑनेस्ट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड एप्पल बोलते हैं, राइट, इज अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, बैड एप्पल इज देयर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर है ना। एक सेब जो होता है वो सारे सेब गंदा कर देता है, ये सुना होगा आप लोगों ने, अवॉइड बैड कंपनी, है ना, ये वो बना था, अवॉइड बैड कंपनी। प्यारे बच्चों, जिंदगी में आपका सिलेक्शन और आपका रिजेक्शन आपके दोस्ती तय करती है, समझ में आया, कैसे फ्रेंड आपके पास है। अगर आपके पास फ्रेंड अच्छे हैं डेफिनेटली आप जल्दी सिलेक्शन हो जाओगे, क्योंकि वो भी पढ़ने वाला, तुम भी पढ़ने वाला, एक पढ़ने वाला है एक नहीं पढ़ने वाला है, तो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम यहीं पे ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आंखों के सामने है, एज रेड एज ए चेरी, क्या बात है, जरा बताओ, देखो ये दीपी आ गई, एज रेड एज ए चेरी, चेरी समझते हो क्या होता है, चेरी खाने में बहुत पसंद आती है ना। सिमी वर्मा जी, गौरव जी, काजू जी, बदाम जी, अंजलि जी, यम भोरिया, हाय यम, कैसे हो, बी वेरी एंग्री, नो एंग्री का तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, वेरी कॉमन, ये तुम्हें तुम्हें ये एंग्री का फोटो लग रहा है, इतनी स्मार्ट लड़की को मैं फोटो खींच के लाया, मैं कहा तुम्हें दिखाऊंगा, अबे टमाटर जैसा लाल उसको बोलते हैं एज रेड एज अ चेरी, दिस कलर द कलर ऑफ दिस सूट इज एज रेड एज अ चेरी, ऐसे यूज कर सकते हो। हाय फ्रैंकिस्टिन, अवेश, निशा कुमारी, आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज बी रेगुलर एट 6 PM इन द इवनिंग एंड यू विल डेफिनेटली बी सैचिएटेड बाय माय लेक्चर्स, आई एम टेलिंग यू। अहिल्या के, काजू, फ्रैंकिस्टिन, सिमरन, निशा कुमारी, राइट, राजश्री प्रधान, निशा कुमारी, समझ में आया ना, दैट नहीं, एक्ट प्राउडली भी नहीं होगा, एज रेड एज अ चेरी दैट विल बी एक्सट्रीमली रेड, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली रेड, ये आंसर बनेगा आप लोगों, आप पता नहीं क्या बनाए जा रहे हो। कल मैंने बताया था एक और, अच्छा एक मीडियम मैंने बताया था इन द रेड, इसका मतलब क्या होता है, एक मैंने बताया था इन द ब्लू, एक मैंने ये बताया था इन द रेड का मतलब होता है अंडर डेट, कर्जे में होना, अंडर डेट, और इन द ब्लू का मतलब होता है इन द ब्लू, इन द रेड का मतलब अंडर डेट, और इन द ब्लू का मतलब क्या होता है, इन द ब्लू का मतलब होता है बीमार, अनवेल, ऐसे यूज कर सकते हो। ये लो बताओ जरा, एक्स्ट्रावेगेंट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अंडर डेट इसको बोल सकते हैं आप लोग, है ना, सैड मत बोलो इसको, अनवेल बोलो, तो बीमार होता है जो इंसान, समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे देखते हैं जरा। चेरी पिक करना है, आई वांट टू चेरी पिक नाउ, गिव मी द आंसर फास्ट, कम ऑन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 40 के 40 बच्चे आंसर करो जरा जल्दी से, और अच्छा लगे तो थम्स अप दिखा सकते हो यार, ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना, सारे ले लो, कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा इसमें कहीं ना कहीं, आप लोगों को, आपको अच्छा भी लगेगा उसके बाद, है ना। चेरी पिक करना, आई वांट टू चेरी पिक दिस थिंग, राइट, टू रूइन समथिंग, टू सिलेक्ट द बेस्ट, चेरी पिक करना, मेरे ख्याल में आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आप लोग भी जैसे बता रहे हो, स्नेहा, प्रीति, माय थिंकिंग, एम, रोशनली, अमन, ठीक है, सारिका, गोपाल, वंदना, सचिन डांडा, टू सिलेक्ट द बेस्ट, आई विल चेरी पिक इट, चेरी पिक ऐसे बोलते भी हैं, अरे डोंट वरी, आई विल चेरी पिक इट, तो चेरी पिक का मतलब क्या होता है, टू सिलेक्ट द बेस्ट, देन दिस का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बताइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी आंखों के सामने है, एंड गिव मी द आंसर, कम ऑन, एप्पल एंड ऑरेंजेस, जल्दी बताओ, एप्पल एंड ऑरेंजेस, इस एग्जाम में भी लाइक यू आर सिलेक्टिंग बेस्ट फ्रॉम पानीपत, अरे वाह क्या बात है, कोर्सा बहुत बढ़िया, एप्पल एंड ऑरेंजेस होता है टू डिफरेंट क्लासेस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना, यू हैव टू डील विद द एप्पल एंड ऑरेंजेस, है ना, यू हैव टू बेयर विद, यू हैव टू, एक डीएम बनाओ, एक सेंटेंस बना के दिखाओ जरा, शाबाश, कम ऑन, जल्दी करो, सेंटेंस बनाओ एक, यू हैव टू डील विद, यू हैव टू डील विद द
एप्पल एंड ऑरेंजेस, समझ में आया ना, यू हैव टू डील विद, हाई आर एस, हाई अवन, गॉट इट ना, यू हैव टू डील विद द एप्पल एंड द ऑरेंजेस, एक 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 सेब है, एक संतरा है ना, एक कहीं का है, एक कहीं का है, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं, गॉट इट नॉट, अच्छा लगा तो बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आपको के सामने है, कूल एज अ कुकुम्बर। अगर मैंने आप लोगों को इसको इमेज दिखा दी तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इमेज अभी दिखाऊंगा नहीं, इमेज में दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, जरा बताओ शाबाश, पहले आप बताओ मुझे, यस प्लीज, कमॉन 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 कमॉन, एज कूल एज अ कुकुम्बर, कूल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है, एज कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, ही इज एब्सोल्युटली कूल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, एब्सोल्युटली कूल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेजी मैन, कूल फिश, सर्टन, ये नहीं होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एज कूल एज अ कुकुम्बर, बात समझ में आई हो तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो ऐप पे आएगा, ऐप पे बेटा ये वाइटी क्लास है, ठीक है, आयुषी अवस्थी, राइट, थोड़ा देखना पड़ेगा, आयुष अवस्थी सॉरी, ठीक है, निशा कुमारी सब ने बिल्कुल ठीक है, सब ने कूल फिश देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेजी मैन लिखा हुआ है, तो कहीं आप सोचो एज कूल एज कुकुम्बर है फिश लगा देता हूँ, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान में रखना होता है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, गिव मी द आंसर फास्ट, कम ऑन, क्लियर है ना, चलिए ये देखिए जरा, अब देखो अगर मैं इसको लिटा देता ऐसे खीरे को चश्मा चश्मा लगा के लिटा देता है, और आप समझ सकते हो कि भाई एक किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, कूल सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा कूल रहने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कूल एज ए कुकुम्बर, इसको मैं एज एक वर्ड भी बता रहा था मैं बच्चों को, इसको बोलते हैं सिमरन, देखो तो सही, इसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं सचिन जी, हाँ इसको बोलते हैं ये सैंग फ्रॉग, एस ए एन जी एफ आर ओ आई डी, सैंग फ्रॉग, वीडी सर इज कूल एज अ कुकुम्बर, कूल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वाह क्या बात है, सैंग फ्रॉग इसको ऐसे बोल सकते हो, अच्छा एक और बोलते हैं कंपोश, राइट, कंपोश, सी ओ एम पी ओ एस यू आर ई, मैंने इसको कल परसों मैं इसको बच्चों को बोल दिया कंपोस्टर, कंपोस्टर नहीं ये कंपोशर ही होता है ये, ठीक है, कंपाउश इसको बोलते हैं, कंपाउश ये वाला साउंड आता है यहाँ पे, ये वाला साउंड हया, कंपाउशा कंपाउशा लाइक दिस, कम सी ओ एम पी ओ एस यू आर ई, कंपोशर, सैंग फ्रो का मीनिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बताना चाहिए था मुझे, मैंने बता दिया आपको, आगे जरा देखो, गो बनाना, बनाना बनाना पीछा नहीं छोड़ रहा, जाओ केले, बताओ जरा क्या आएगा, कमॉन 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 जल्दी बताओ, हाँ ठीक है ना, कंपोस्टर नहीं वो कंपोस्टर ही है सचिन, मैंने कल टी बता दिया था आप लोगों को, लेकिन वो टी आएगा नहीं, ठीक है ना, सी गो बनाना, कैन यू टेल मी, अवेश राव बोल रहे हैं सर सी चार्ली, देख लेते हैं टू बिकम क्रेजी, बिल्कुल ठीक बात है, यही बनेगा, गो बनाना का मतलब क्या था, चलो केले पे चलते हैं, है ना, गो बनाना, टू बिकम क्रेजी, इस सेंस में आप यूज करेंगे, टू बिकम क्रेजी, अच्छा लगा तो बताइएगा, चेरी, चेरी भी आ रखा है, देखो दीपू, चेरी, सचिन, स्नेहा, गौरव, वंदना, रोशन, आयुष अवस्थी, गॉट इट ना, एक और इडियम ले लो, ये देखो जरा, ये देखो ये एक क्या का खतरनाक बनाया, देखो इसने ऐसे रख के है ना आंसर, एक इंसान की शक्ल बना दी, हालांकि केले का छिलका ही, छिलके देख लो, दांत भी लगा दिए, ये कोई इंजीनियर का काम ही कर सकता है, ठीक है ना, इंजीनियर का बच्चा काम करेगा इस चीज को, बनाना यू बिकम क्रेजी, ए बाइट एट द चेरी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगे तरह बताओगे तुम, गिव मी द आंसर फास्ट, कम ऑन, ए बाइट एट द चेरी, ठीक है ना, बनाना और चेरी जीत गए आज, ए बाइट एट द चेरी क्या मीनिंग होता है जरा बताओ शाबाश, ए बाइट एट द चेरी का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, नहीं, टू गेट ए सेकंड चांस, टू गेट ए सेकंड चांस, मेरे ख्याल से तो ये है, ठीक है ना, एक ट्राई तो बनता है ना, टू गेट ए सेकंड चांस, बच्चों कुछ नहीं हुआ, उठो अपने लक्ष्य को फिर प्राप्त करो, भाई तो क्या भी जिंदगी स्टार्ट हुई है तुम्हारी यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, ए बाइट एट द चेरी, ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हो, टू गेट ए सेकंड चांस, ऐसे आप लोग इसको यूज करेंगे, गॉट इट और नॉट,
कैसा लगा आप लोगों के मंदर से बताइए, ठीक है। अच्छे लगे इडियम्स काफी, और ऐसे ही काम को करते रहिए अभी, और जो इसमें तो जितना मुझे मिला था उतना मैं ले आया इसको, है ना। ऐसे ही काम को करते रहिए, अपने इंजॉय करते रहिए यार काम को, यार बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अच्छे इंजॉय करते हैं। ऑसम सेशन सर, बहुत अच्छा, जितने भी मैंने बताए हैं आप लोगों को, ये कभी ना कभी आते रहते हैं, इनको प्लीज आप कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। बेफिटिंग बहुत अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेली क्लास में आए और ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी बातें हम लोग डेली क्लास में करें, समझ में आया ना। तब तक के लिए राइट, थैंक यू सो मच, ओके गाइस, टेक केयर, बाय 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 बाय, है ना। जय हिंद, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू।